अभी जी से ऐसा लग रहा है कि इंडिया दैट इज भारत नहीं चलेगा, भारत चलेगा। आप लोग क्या अगर ये बिल आता है तो समर्थन करेगी कांग्रेस या विरोध करेगी? क्या चीज हम समझे नहीं। भारत भारत इंडिया पे एक बहस चल रही है सर देश में, तो माननीय बन्ना गुप्ता इंडिया के फेवर में है कि भारत के फेवर में, पहले से बता दीजिए। अब बताइए तो मेक इन इंडिया कहे बोल रहे थे मोदी जी, हैं मेक इन इंडिया बोल रहे थे ना मोदी जी पांडे जी, तो उस समय आप कहाँ थे? मोदी जी को नहीं पूछे उनका पार्टी का लोग को कि मेक इंडिया कहे बोल रहे हैं, मेक इन भारत क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे ये सब भयभीत लोग हो गए हैं, डर गए हैं इसीलिए। तो आपके इंडिया अलायंस के नाम से ऐसा? अरे इंडिया अलायंस बोलिए चाहे भारत बोलिए सब एक है। माँ भारती बोलते हैं हम लोग, माँ भारती मतलब जानते हैं मादरे वतन, माँ भारती, हम लोग माँ भारती की संतान है। तो अगर तो इंडिया बता देगी कि अब भारत ही सिर्फ नाम से जाना जाएगा? अरे भैया वो तो अब उनका पेट में दर्द हो रहा है तो कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना होगा। बन्ना जी सहायक अचार्य जो आप लोग बाहरी लगा निकाले थे, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, कैसे नौकरी दीजिएगा आप लोग? अभी ऐसे फंसने लगी। अब ऐसा है ना कि बड़े भाई आप चुन चुन के क्वेश्चन ला रहे हैं, पर क्वेश्चन तो जो है ये सब भाजपा का लोग जो है जा रहा है, जा जाके हम लोग से घबरा गया है और जाके अरे हाई कोर्ट तो रोक लगाया, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम अब मन में फंसेंगे हम हाई कोर्ट पर बोले कुछ बात नहीं। ऐसा आप लोग बोल रहे हैं जेल भेजने के फिर हमें कहा आप लोग कांग्रेस की लड़ाई में है, ये तो मिलेगी मिलेगी, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे और सब रास्ता बनेगा। मोदी जी को नहीं पूछे कि 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, उसे पूछे ना भाजपा, आप लोग नहीं पूछते। मतलब मोदी जी भी झूठ बोले और यहाँ ये सरकार भी झूठ। अरे भैया उनका तो कार्यकाल खत्म हो रहा जी, हमारा कार्यकाल कहाँ खत्म हो रहा है, तो 6 महीने में दिया भूज जाएगा। मंत्री जी डेंगू और चिकनगुनिया के मामले काफी बड़े हुए हैं। हाँ निश्चित तौर पर बढ़े हैं और उस पर हमने आज भी उस पर अधिकारियों से बातचीत किया है, उसके सभी जगह पर जो विशेष करके रांची और जमशेदपुर में मामले हैं उस पर हम गंभीरतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और हमारे जो मलेरिया के जो डायरेक्टर वगैरह सबसे बातचीत हुई है और इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये मामले जल्दी ठीक ठाक हो जाएं, लोग स्वस्थ हो जाएं। प्लेटलेट्स का कमी पूरे राज्य में देखा जा रहा है, ब्लड का भी कमी है, प्लेटलेट्स का भी कमी है, प्लेटलेट्स। हम तो आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि पत्रकारों को भी रक्तदान करना चाहिए, चूंकि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं तो आप भी सहयोग कीजिए और लोगों से भी अपील करते हैं कि रक्तदान करें और ताकि जो है उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने जो है प्लेटलेट प्लाज्मा और RBC WBC चार कंपोनेंट में ब्लड को बचाया जाता है, तो चारों कंपोनेंट के लिए हम लोग जो है ब्लड सर्कुलेशन मशीन लगाने की ओर आगे बढ़े हुए हैं। बन्ना जी सनातन दल को लेकर जो है बवाल छिड़ा हुआ है, आपका क्या है? आपके एक गृह मंत्री है कर्नाटक के, वो बोल रहे हैं अस्तित्व कब आया पता ही नहीं सनातन का। सनातन धर्म जानते हैं, सनातन धर्म का मतलब क्या है मालूम है आपको? सनातन धर्म का मतलब है कि हम पूजा करते हैं पीपल की, बर्ड की, हम पूजा करते हैं नदियों की, हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, हमारी माँ बहन जो है चांद को देख के करवा चौथ का व्रत छोड़ती हैं, हम पशु पक्षी से प्यार करते हैं, आंवला के पेड़ को पूजा करते हैं। तो सनातन धर्म का मतलब है जीवांत, जिसमें जीवांत है, और सनातन का मतलब है हर इंसान जिसके अंदर जीव आत्मा है, तो हम सारे लोग सनातन हैं, इसमें कहाँ इब्बट है। अरे जो के वो डेंगू आ रही है, अब कोई यदि कि कोई यदि बोलेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं। आप इंडिया, इंडिया के अलायंस है जी आप उनके साथ? अब इंडिया का अलायंस है तो उनका पेट में घुस के हम दिख रहे हैं, ऐसा ना बात आप लोग करते हैं।
ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।